वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ओल्ड हैरी बेरीज प्रिजन रन। और आज मुझे ओल्ड हैरी के प्रिजन से भागना है, एस्केप करना है और अच्छी तरीके से चलते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है ओल्ड हैरी के प्रिजन से भागना, हमें यहाँ पर कदम कदम पर नया नया खतरा और ट्रैप देखने को मिलेगा, जिसे मुझे अच्छी तरीके से पार करना होगा, तभी हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे, नहीं तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है। बटन दबा दिया, अच्छी तरीके से जंप करते हैं। नीचे देख सकते हो क्या ही खतरनाक सा ट्रैप है, इसीलिए संभल के जाना होगा। सामने टनल है, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं टनल के अंदर और नीचे भी हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ओल्ड हैरी ने मुझे देख लिया है, बटन दबा दिया। ओल्ड हैरी मेरे पीछे आ रहा है मुझे किल करने के लिए, लेकिन मैं ओल्ड हैरी के चपेट में नहीं आने वाला हूँ। फटाफट भागते हैं यहाँ से, फटाफट से भागते हैं गाइस। देख सकते हो पाइप है, जंप करेंगे और अच्छी तरीके से हम लोगों ने जंप करा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, अब मुझे क्या करना है, सीधा उस तरफ जंप करेंगे और सामने देख सकते हो रेड और व्हाइट डबल पाइप है। अब सीधा जाएंगे सामने टनल के अंदर, आ चुके हैं टनल में और यहाँ पर हम लोग नीचे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ निकलने वाले हैं। ओके, और ये कुछ टॉयलेट जैसा दिखाई दे रहा है, डोर ओपन करेंगे। ये रहा सावल, और सावल की मदद से मैंने यहाँ पर सुरंग बनाना भी स्टार्ट कर दिया, तो 2 सेकेंड वेट कर लेंगे। और यहाँ पर सुरंग बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जंप करते हैं। नीचे देख सकते हो क्या खतरनाक सा एसिड है, ऊपर स्टोन का ब्लॉक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टोन के पिलर का यूज करेंगे, स्टोन के ब्लॉक का यूज करेंगे। और मैं वही कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। ओके, बहुत सही है मैन। इसके बाद यहाँ सीधा उस तरफ चलेंगे। अब मुझे ब्रिज को पार करना होगा और ये ब्रिज काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि देख सकते हो नीचे यहाँ भी काफी खतरनाक सा एसिड था, लेकिन मैंने पार कर लिया। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि मुझे क्या करना होगा, संभल के। यहाँ भी खतरनाक सा एसिड है और मुझे बचते हुए जाना पड़ेगा। और यहाँ पर गोला भी तुरंत उस तरफ गया है, इसका मतलब थोड़ा सा वेट तो लगेगा ही, तो यहाँ पे जल्दी से भाग जाता हूँ। यहाँ पर स्टे करते हैं, गोला आ गया फिर से, और ये गोला जैसे ही जाता है वैसे मुझे रनिंग करना है। और रनिंग करते हुए सामने देख सकते हो फिर से मुझे मसाल दिखाई दे रहा है, लाइटिंग, यहीं पर स्टे किया और ये फिर से जा चुका है। अब आगे चलते हैं। ओके ना, अब सीधा इसके ऊपर चलेंगे। देख सकते हो यहाँ पे पहले से वुडन का लेडर है, तो हम लोग सीधा ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर मेरे सामने ओल्ड हैरी का गार्ड है, जो कि मेरे पीछे पड़ चुका है। इसे बचते हुए मुझे व्हील को घुमाना होगा ताकि दूसरा रूम हम लोग ओपन कर सके। ओके ना, और ये ओल्ड हैरी का गार्ड वॉल के अंदर फंस चुका है, यही मौका है यहाँ से भागने का। फटाफट से भागते हैं। ओके, लेकिन संभल के, देख सकते हो स्टेयर्स बीच बीच में टूटा हुआ है, अगर मैं अच्छे तरीके से जंप नहीं करूंगा तो मुझे बार बार यहीं पर टकना पड़ जाएगा, क्योंकि बार बार मैं नीचे गिर जाता। अब मुझे इसके ऊपर आना है और सटीक तरीके से यहाँ भी आ जाना है, संभल के जंप करेंगे। बहुत सही है मैन, हम लोग काफी अच्छे तरीके से जा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर और मेरे सामने एक और कैरेक्टर है, लेकिन मुझे उस कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है, इससे पहले मैं ही यहाँ से निकलूंगा चाहे जो भी हो जाए। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हमारा लिफ्ट ऊपर जा रहा है मुझे लेके। और यहाँ पर फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, सीधा चलते हैं। ये रहा बटन और बटन दबाते हैं, दबा दिया। ड्रिंक पीते ही मेरे पास यहाँ पर एक एबिलिटी आ चुका है, फास्टेस्ट रनिंग का और साथ में लॉन्गेस्ट जंप का भी, तो अच्छी तरीके से जाएंगे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कि हाँ मैं, मुझसे आगे एक कैरेक्टर निकलने की कोशिश कर रहा है। ओके, यहाँ भी आ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन मिलाते हुए, पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन मिलाते हुए, और हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं, संभल के गाइस। और यहाँ पर आधा दूर से ज्यादा हम लोग आ चुके हैं, 3 प्लेट और बचा, इसे भी पार कर लेंगे फटाफट से। और यहाँ पर सेफली तरीके से आ चुके हैं, इससे लेडर की मदद से सीधा ऊपर चलेंगे। एक और लेडर है, इसका भी यूज करेंगे सीधा, इसका भी यूज करा और हम लोग सीधा इसके ऊपर आ चुके हैं। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि मुझे क्या करना होगा। इस तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर पहले से लेडर ड्रॉपेड है, इसे ओपन करके सीधा अंदर चलते हैं गाइस। ओपन करा, सीधा अंदर चलते हैं और अब देखते हैं कि अब हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा होगा, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते फटाफट से। और यहाँ पर दोनों तरफ ट्रैप है, लेकिन यहाँ का एयर कुछ ज़्यादा ही कम है मैन, जिससे मेरे कैरेक्टर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ। आ चुके हैं, अब चलते हैं ब्लू लेडर की मदद से सीधा इसके ऊपर चलते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तब मुझे पाइप को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये पाइप वाला ट्रैप काफ़ी डेंजरस है, ये सीन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मज़ा आएगा हम लोगों को, आप लोग बने रहना। ओके ना, उसके बाद यहाँ भी आ चुके हैं, फटाफट से आगे चलेंगे गाइस। इसके ऊपर भी आ चुके हैं, संभल के जाना पड़ेगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग इसके ऊपर भी आ चुके हैं और पाइप का मुझे एयर बंद करना है, इसके लिए मुझे व्हील को बंद करना होगा, क्लोज करना होगा। ये रहा पहला व्हाइट व्हील, इस व्हाइट व्हील को घुमा दिया है, अब चलते सेकेंड व्हाइट व्हील की तरफ। और मेरे सामने सेकेंड व्हाइट व्हील भी दिख चुका है,
इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे। तो फटाफट से क्लोज करते हैं गाइस। तो मैंने इसे क्लोज कर दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट बचा हुआ है और इसके लिए मुझे इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट चलते हैं। और हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जा रहे हैं और यहाँ पर एक पाइप अभी तक खुला हुआ है, इसे बंद करने के लिए मुझे इस व्हील को बंद करना होगा। बंद कर दिया और यहाँ पे पाइप का एयर भी बंद हो चुका है। अब हम लोग जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। पहले जाने की कोशिश करते तो मारे जाते, लेकिन अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ओके, आगे चलेंगे और यहाँ पे जंप किया, अब इसके ऊपर चलते हैं। सामने देख सकते हो टनल है और मुझे उसी टनल के अंदर जाना है। तो चलो चलते हैं टनल के अंदर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस टनल के अंदर और आगे बढ़ते जाएंगे और देखते हैं क्या सीन होगा। सच में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और यहाँ आते ही एयर फ्लो मुझे पुश कर रहा है काफ़ी तेज तरीके से और मुझे भी अपने कैरेक्टर को अच्छी तरीके से लेके जाने का मौका मिल रहा है। अगर एयर नहीं चलता तो इतना बड़ा गैप जो है बीच में, जंप कराना पूरी तरीके से नामुमकिन होता। और यहाँ पर सेफली आ चुके हैं, ये रहा ग्रीन लेडर। अब देखते हैं ये ग्रीन लेडर मुझे कहाँ लेके जाएगा। मैं समझ गया, जंप करना पड़ेगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर पहला अटेम्प्ट पूरी तरीके से फेल रहा, सेकेंड बार ट्राई करेंगे। और सेकेंड बार ट्राई करते ही सीधा हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं सेफली तरीके से। अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते फटाफट से गाइस, मेरे सामने देख सकते हो सेफ है, इसे बचना पड़ेगा। ये हैरी असेफ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये ओल्ड बेरीज के लिए खाना बनाता है, इसका नाम है हैरी असेफ। और ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन इसी एन पता मैं इसे फिनिश करूंगा। ये रहा वेपन, ले लिया वेपन। इस वेपन की मदद से मैं इस ओल्ड हैरी गनी की हैरी द सेफ को मारने वाला हूँ और मैंने इसे डैमेज देना शुरू भी कर दिया है। तो देखते हैं कितनी देर में मैं इसे निपटा पाता हूँ, कितना समय लगता है इसे पूरी तरीके से किल करने में। इसका हेल्थ रेड हो चुका है गाइस, अब ये ब्लास्ट होगा। और ये फाइनली हो चुका है ब्लास्ट और जिस तरफ से रास्ता है हमें उसी तरफ से जाना होगा। फटाफट चलते हैं उस तरफ, रास्ता अपने आप ओपन हो चुका होगा। ओके, और सच में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे सामने का ट्रैप और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे डोर जैसा गैप खाली है और यहाँ पे जैसे हम लोग आते हैं तो हमारा कैरेक्टर यहाँ पे स्क्रॉल होने लगता है। और यहाँ पे स्क्रॉल होते होते एक हाईली जंप किया, लैंड करते हैं और यहाँ पर हम लोग सेफली तरीके से लैंड किए। आगे चलते हैं, इस तरफ एक लेडर देखने को मिलेगा, ये रहा येलो लेडर। सीधा ऊपर चलते हैं क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं अगले स्टेज में। ऊपर आने पर सामने डोर है, एग्जिट डोर ओपन किया, अंदर भी आ चुके हैं। अब सीधा ऊपर जाना होगा, लेकिन वेट, ऊपर लेजर भी है और स्टोन का वॉल भी है, संभाल के। अगर मैं स्टोन के वॉल में टकरा गया तो मैं मारा जाऊंगा और लेजर में टकरा गया तो भी मारा जाऊंगा, इसीलिए संभाल के। और मैं एक एक करके सारे लेजर को बीट कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है अब सिर्फ एक ही बचा है, इसे भी मैंने बीट कर लिया और सेफली यहाँ आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, नहीं तो पूरे मतलब पहले लगा था मैं तो गया। उस तरफ चलेंगे, अब हमारा होने वाला है सबसे लास्ट फाइट। तो देख लेते हैं क्या सीन होगा। सबसे लास्ट फाइट ये होने वाला है, हैरी रोबोट को मारना पड़ेगा और मैंने इसे डैमेज देना शुरू कर दिया है। इसका हेल्थ मैंने आधा से भी कम कर दिया है। जल्दी से निपटाते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। ऑल राइट गाइस, मैंने इसे फिनिश कर लिया, अब फटाफट से यहाँ से निकल चलते हैं। ओके ओके गाइस, हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें।